सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा देवघर एम्स। जी हां, चौंकिए मत, दरअसल देवघर एम्स में 6 मई से शुरू हुए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आदिम जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये बातें कही हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन मुंडा ने कहा है कि शिक्षा, चिकित्सा और शोध के सबसे बड़े केंद्र देवघर एम्स को उनके मंत्रालय की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। मुझे आशा है कि देवघर एम्स जनजातीय स्वास्थ्य के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साबित होगा। देवघर का जिन्होंने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण और बड़ा उद्देश्य को लेकर आज संवाद 2 दिवसीय सम्मेलन का, समिट का आयोजन किया है ट्राइबल हेल्थ के ऊपर में। ट्राइबल हेल्थ यानी जब हम कई वर्षों का डेटा को एनालिसिस करके देखते हैं तो ट्राइबल हेल्थ में कई ऐसे पैरामीटर है जिसमें हमें चिंता में भी डालता है और आगे काम करने का अपॉर्चुनिटी भी देता है। चिंता में इसलिए डालता है क्योंकि पिछले कई वर्षों में डेटा ये कहता है कि कई ऐसे हेल्थ के पैरामीटर्स है जिस पैरामीटर्स में ट्राइबल काफ़ी पीछे हैं, चाहे वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रहें या IMR, MMR, इसमें देखें सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो रही है। पिछले 8-9 वर्षों में तो बहुत ही ड्रास्टिकली सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम देखें तो और भी काम करने की बहुत संभावना है। एनेमिया से रिलेटेड समस्या है और अब ट्राइबल एरिया में भी वंशानुगत समस्या कुछ बहुत गंभीर समस्या के रूप में, जो शायद लोग अवेयर नहीं है कि उनको किस तरीके से जीन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो कैरियर बन रहा है और उस समस्या से जूझ रहा है। तो ऐसे समस्याओं के ऊपर में शोध परख हो, उस पर सावधानी बरती जाए, उसके इलाज संभव हो, हर किसी के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सके और कुल मिलाकर के जो ट्राइबल एरिया है वो स्वास्थ्य से स्वावलंबन की तरफ बढ़े, इस दृष्टि के साथ ये जो आयोजन हुआ है मैं काफ़ी आशान्वित हूँ कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही हम समस्या का समाधान करेंगे। और मैंने जैसे आज कहा कि हम ये एम्स देवघर को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो भी काम करेगा उस कार्य के लिए हमारा पूरा सहयोग प्राप्त होगा ताकि हम आगे, ये एक एरिया है, एक तो आप समझ लीजिए कि एम्स अपने आप में एक बड़ी संस्थान शोध के लिए भी, चिकित्सा के लिए भी और शिक्षा के लिए भी मानी जाती है, तो यह इस क्षेत्र का बहुत बड़ा उपयोगी संस्थान जनता के लिए ऐसे भी है और आगे ऐसे विशिष्ट चीज़ों के बारे में शोध करते हुए उसका समाधान कैसे ढूंढे ताकि जो ट्राइबल एरिया है वो हेल्दी इंडिया के रूप में। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि इस संस्था का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है और झारखंड में आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है, इसे ध्यान में रखकर भी इस संस्थान का निर्माण किया गया है। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, माननीय मंत्री जी से हम और प्रेसिडेंट साहब कुछ महीने पहले भी मिले थे, सर ने उस समय भी बहुत प्रोत्साहन दिया था और बहुत हमको आश्वासन दिया था और सर ने आज समय दिया है, उससे हम और प्रोत्साहित हैं। जैसा सर ने बताया कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें अभी हम गैप मानते हैं, या तो हम उन बीमारियों को समझ नहीं पा रहे हैं या उन बीमारियों की वजह को नहीं समझ पा रहे हैं या उनका सही उपचार की तरफ हम लोग अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्वप्रथम उन विषयों को पहचानना होगा, उनके निवारण के लिए जो भी उपाय हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि जो आदिवासी जनजाति हैं वो अपने पर्यावरण से ही अपनी चिकित्सा करते हैं, उस पर भी अनुसंधान किया जाए ताकि हो सकता है वो बहुत एक सब एक जब सब लोगों के लिए लाभकारी उसके परिणाम निकलें। तो एम्स का जो मैंडेट या मानदेय है वो सिर्फ उपचार करना नहीं है, रिसर्च एक भाग है, स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना, लोग स्वस्थ रहें, वो भी एम्स का मैंडेट है। तो एम्स उसी पथ पे काम करेगा क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी जगह पे, भारत सरकार ने एम्स की स्थापना की है सोच के कि जिस जगह आदिवासी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें एम्स का दायित्व बनता है कि हम पूरे एरिया को स्वस्थ रखने की कोशिश करें और जो समुदाय जिसको अभी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, उनको पहचानें और उन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयत्न करें। एम्स उसमें प्रयास पूरा करेगा।
कितना कामयाब हो सकते? देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम लोग कोशिश शुरू कर रहे हैं, सबका सहयोग है, सर का मार्गदर्शन है, आप सबका सहयोग है, तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि इतना पक्का है कि एम्स का जो मैंडेट है उसको पूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि इस जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन में एम्स निदेशक ने कहा है कि आदिवासी में होने वाले रोगों पर खास रिसर्च हो रहा है, साथ ही जनजातीय लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में आने वाली बाधाओं की भी पहचान की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवघर से विजय सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।